Why? Oh my god! You didn't tell me also! Why would we? How are you? Oh my god, what a shocker! I know. So happy to see you! गाइज अपने पहले हीरो कमल सदाना से 30 साल बाद मिलकर काजोल खुशी से फूले नहीं समाई। काजोल ने देखते ही देखते उन्हें गले से लगा लिया। 30 साल पहले 1992 में रिलीज हुई फिल्म बेखुदी से काजोल और कमल ने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में दोनों का काम लोगों को खूब पसंद आया था और इसके बाद काजोल और कमल दोनों का करियर तेजी से चल निकला। लेकिन कमल की जिंदगी तूफानों के बीच कट रही थी। कमल के 20वें जन्मदिन पर उनके पिता ने अपनी ही पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। कमल के पिता ने उन पर भी गोली चलाई लेकिन वो बच गए। लेकिन इसके बाद कमल के पिता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसी तरह से कमल का पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार के गम में कमल का करियर रुक गया और काजोल सुपरस्टार बन गई। अब 30 साल बाद जब दोनों मिले तो खुशी से गले लग गए। गाइस सलाम वेंकी के सेट पर अपने बेखुदी के सह कलाकार कमल और काजोल दोनों एक बार फिर से आमने सामने हुई। निर्देशक रेवती ने कमल की कॉस्टिंग को गुप्त रखा और फिल्म के सेट पर ही काजोल को सरप्राइज दिया। बेखुदी जो 1992 में रिलीज हुई थी काजोल की पहली फिल्म थी और कमल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्देशन राहुल रवेल ने किया था। कमल सदाना ने कहा कि काजोल के साथ दोबारा काम करके बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि काजोल के साथ शूटिंग करने पर मुझे फिर से लगा कि मैं बेखुदी के सेट पर हूँ और हंसते हुए उन्होंने कहा वह अब भी बिना रुके बोलती और मुझे अपनी कुर्सी उठाकर दूसरी तरफ जाना पड़ा लेकिन ये बहुत मजेदार रहा। काजोल ने उसी पर प्रतिक्रिया दी और कहा पहले 5 से 10 मिनट मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चिल्लाती रही, ये वास्तव में बहुत अच्छा था जब हम मिले। तो गाइज कमल और काजोल का 30 साल बाद एक दूसरे से मिलना आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।